नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की। गांव कीर्तिपुर के पास बघेल समाज के लोग रैली निकाल रहे थे, अहिल्याबाई जन्मदिवस की रैली निकाल रहे थे। कुछ ठाकुर लोगों ने इसका एतराज उठाया और बोलने लगे, बघेल समाज के लोगों में से आप इस मोहल्ले से रैली नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने मान ली। भरे समाज के लोगों ने फिर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। भगत समाज के लोग, उन भाइयों में से 5 लोग घायल हुए। यहां पर तमंचे प्रीत चल रहे हैं, ईंट पत्थरों किसे मोटरसाइकिल जलाई जा रही है। नए पत्रकार लोगों ने जाकर देखा, बघेल समाज का गुस्सा बहुत ज्यादा। पुलिस प्रशासन काफी फोटो लो, नहीं बुलाते बिल्कुल, इनके पापा ने देखी ना होगी। ये भाई देखिए, इनके पाप ना रहे, इनका हाल बता, देखो देखो भाई देखो, इन पाप बता रहे कैसे लेंगे। गाड़ी गाड़ी हमारी गाड़ी थोड़ी वो उठा लेंगे, मोटरसाइकिल उठा लेंगे। अब इधर गाड़ी गाड़ी और बिहारी गाड़ी ठीक है भाई। देखिए यार, रुक यार, रुक यार, इनके मुसले रुक यार। देखो भाई देखो, कैसे लेंगे। गाड़ी गाड़ी हमारी गाड़ी थोड़ी वो उठा लेंगे, मोटरसाइकिल उठा लेंगे। अब इधर गाड़ी गाड़ी और गाड़ी। आज मैं स्वागत है, मैं बता दूँ आज मेरे संग लक्ष्मी जी। सबसे पहले पूरे देशवासियों को और सभी को, भारतवर्ष के लोगों को मातेश्वरी पुण्य श्लोका माँ अहिल्याबाई जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी यहाँ मडराट थाने के अंतर्गत कीरतपुर गांव है, आसपास के गांव में माता अहिल्याबाई की जयंती की रैली का कार्यक्रम था और हमारे युवा और धनगर समाज के वंशज जो कि माता अहिल्याबाई के वंशज हैं, उन्होंने एक रैली का कार्यक्रम का आयोजन करने का परमिशन भी दी है, तैयारी कर रहे थे। तो कुछ भाजपा के गुंडे जो अपनी दबंगई दिखा के उन्होंने वहाँ डीजे का तोड़फोड़ किया, पुलिस प्रशासन भी आ गया। पुलिस प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा के महिलाओं को पीटा और माता अहिल्याबाई के वंशजों को पीटा। लोकतंत्र की पूर्ण तरह हत्या हो चुकी है। जो माता अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में ये पूरे सनातन धर्म को इतना आगे पहुंचाया, हजारों हजार मंदिरों का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उन्होंने एक मानवता की एक मिसाल पैदा की। सभी रानियां राजा बहुत बने पर वो देवी के नाम से जानी जाती हैं। ऐसी देवी के जयंती मनाने पर
कुछ भाजपाई लोग उन्हें पीट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और रैली नहीं निकलने दी। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, इससे कोई दुखद हो नहीं सकता। लेकिन हम माता अहिल्याबाई के वंशज हैं, हम ऐसे लोगों से न डरते हैं न कभी डरेंगे। और ये रैली भी निकलेगी और कारवां आगे बढ़ेगा, इन्हें जवाब भी मिलेगा, इन्हें वक्त जवाब देगा। और सभी लोग सुन लें और जान लें कि हम लोग इस तरीके से तुम्हारी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। हम आगे भी कार्यक्रम करेंगे और भारत में हमने हमेशा भारतवर्ष की सेवा की है, हमारे वंशजों ने, हम मूल निवासी हैं यहाँ के, तो इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मैं समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष अलीगढ़ की लक्ष्मी धनगर हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर कार्यालय पर, जिला कार्यालय पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी थी और भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के कुछ गुंडों ने इस तरह हरकत कर दी, उन्होंने दर्शा दिया कि भाजपा के खाने को दिखाने के दांत अलग अलग। ये सुन लें कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इस तरह की हरकतों से घबराने वाले नहीं। जय हिंद, जय माता दी। हम थाना प्रशासन पूरा उस गांव में है, थाने में जाकर क्या करेंगे। हम लोग लगा तहरीर दी है, डीएम साहब से बात हुई है, डीएम साहब ने बताया कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी संतुष्टजनक नहीं है और जैसे आगे नहीं होती है तो हम कार्रवाई करेंगे, पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह हमारी माता अहिल्याबाई होलकर ने संघर्ष किया है।